नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के बैठक में विनियोजन विधेयक पर छलफल जारी। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले द्वारा अर्थमंत्री शर्मा के राजीनामा मांग। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति से सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 पर छलफल। बीमा प्राधिकरण बना के आगे बढ़ेला अनौपचारिक छलफल। आज जून 14 विश्व रक्तदाता दिवस। नेपाल में भी विभिन्न रक्तदान दे के मनावल जा रहा। आधुनिक क्षेपास्त्र प्रणाली के सहयोग करला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आग्रह। रूस 2600 से ज्यादा क्रूज मिसाइल प्रहार कर दावी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत नेपाल आज ओमान के सामना करे। अब पूरा समाचार। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के बैठक में विनियोजन विधेयक ऊपर के छलफल जारी बाटे। आज के बैठक में विनियोजन विधेयक 2079 अंतर्गत युवा तथा खेलकूद, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, खानेपानी, अर्थ और स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के विभिन्न शीर्षक ऊपर छलफल में उठल सवाल सबके संबंधित मंत्रालय के मंत्री लोग जवाब देवे के कार्यक्रम जारी बा। नेकपा एमाले के सांसद सुरेंद्र पांडे अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पर गंभीर सवाल उठल कहत वहाँ के राजीनामा मांग कैले बने। प्रतिनिधि सभा के मंगल के बैठक में समय मांग करके बोलत सांसद पांडे अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के बजट निर्माण के क्रम में अनाधिकृत व्यक्ति सब संगे के साठगांठ से कर में दर हेरफेर कैल आरोप लागला से नैतिक रूप में पद में बैठे ना मिले के वहाँ के बतौने। वहाँ के गोपनीयता के विषय के बाहर सार्वजनिक कैल गंभीर अपराध भइल कहत अर्थमंत्री शर्मा ऊपर छानबीन होके परे के बतौले बने। सांसद पांडे ई विषय में संसद भी कदम उठाव परे के बतौने। अनधिकृत मान्छेहरु सहितको साँठगाँठका कुराहरु गरेर ट्याक्सका दरहरुमा तलमाथि गरिएका कुराहरु सार्वजनिक भएका छन्। यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हिजो यस बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न खडा गरेका थियौँ। सांसद पाण्डे प्रधानमन्त्री देउवा जवाबदेहिता देवे परेको कहत संसदकै जानकारी गराउ खातिर भी आग्रह कैले। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै अर्थ समितिमै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 पर छलफल भइल बा। मंगलके सिंहदरबारमै बैठल अर्थ समितिकै बैठकमै बीमा सम्बन्धी कानूनके संशोधन औरी एकीकरण करे खातिर बनल विधेयक 2075 पर भी छलफल भइल हुए। बैठक में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा विधेयक पर भइल छलफल के प्रतिवेदन समिति में प्रस्तुत कैले रहने। वहाँ के विधेयक के विधि निर्माण के बाद सुधारे परे के शब्दावली सब के बारे में समिति के जानकारी कराव के कहले रहने। 2075/27 में दर्ता भइल बीमा संबंधी विधेयक अभी तकले भी आगे बढ़े नहीं के सकल। बीमा विधेयक लंबा समय तक समिति में अड़कला के बाद समिति में रहल सदस्य सब के लगानी विभिन्न जीवन और निर्जीवन बीमा कंपनी सब में रहल आशंका कैल गेल बा। बीमा विधेयक में भइल बीमा प्राधिकरण गठन करे के विषय में भी निष्कर्ष ना निकले सकला से विधेयक आगे बढ़े ना का सकल। लेकिन अभिन्न समिति में बिना बीमा संबंधी छुट्टे बीमा प्राधिकरण बना के आगे बढ़े में अनौपचारिक सहमति जुटल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। आज विश्व रक्तदाता दिवस। नेपाल में भी रक्तदान लगायत के विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। रक्तदान के महत्व बारे जनचेतना फैलावे खातिर और मानव जीवन बचाव के रक्तदाता सबके योगदान प्रति कृतज्ञता व्यक्त करत हरेक वर्ष जून 14 के दिन ये दिवस मनावे के शुरू कर रहे। मानव रगत समूह पता लगावे वाला वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के अवसर में सन 2004 से विश्व रक्तदाता दिवस मनाव के शुरू कर गेल हुए। दिवस के नया रक्तदाता के रूप में युवा सब के उत्प्रेरित करे के और नियमित रक्तदाता सब के सम्मान करे के अवसर के रूप में लेवे के समेत कल जला। त्रिभुवन
चंद्र बहुमुखी कैंपस त्रिचंद्र कलेज के पुनर्निर्माण के मांग करत विद्यार्थी सब विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। मंगर के कलेज अगाड़ी विद्यार्थी सब कैंपस के पुनर्निर्माण के मांग करत सड़क में ही पढ़ के विरोध जनल हुए। कैंपस के भौतिक संरचना के पुनर्निर्माण होके ना सकला से विद्यार्थी जीर्ण कक्षा कोठा में बैठ के अध्ययन करे के बाध्य भइल बा। कलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी भवन कौन समय भस्की कह के डर में पढ़े पड़े के बतौले बाटे। भवन के कक्षा कोठा में पानी पड़ल समय पानी चूहेला उ लोग के कहना बाटे। अध्ययन के खातिर कैंपस जाए वाला विद्यार्थी के संख्या बढ़ला पर भी भवन भसकला से गिरी की कह के डर में कॉलेज में बैठे के डर लागे के उ लोग के कहना बा। उ सब राज्य सत्ता में पुगला के बाद अपने पढ़ल घर घर भोर पर आए के परिपाटी रहल कहत। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउआ एमे भी कोनो ध्यान ना दे बतौनी। वहाँ सब लगे रहल धरहरा और रानी पोखरी बनल समय विद्यार्थी के शैक्षिक गुणस्तर सुधारे के और विद्यार्थी के योग्य बनाओ की शैक्षिक संस्था बने ना सकला से दुख व्यक्त कैले बा लोग। त्रिचंद्र कलेज चाहिँ लामो समय 6 वर्ष पहिला 2072 साल को भूकंप पश्चात भत्किएर रेड स्टिकर लगाएको भवन छ घंटाघर पट्टी को बिल्डिंग र त्यो बिल्डिंग बनाउने जिम्मा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ने पाएको हो। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरण ने काम गरेन र उसको म्याच चाहिँ गत पौष में 78 को पौष में सिद्धियो। अब विद्यार्थी जस्तो मान्छेले विद्यार्थीलाई पढ्नलाई चाहिने भने क्याम्पस हो हैन। तर हामी यहाँ पढ्दै गर्दा 2072 साल को भूकम्पले चाहिँ जुन चाहिँ यहाँको संरचनाहरुलाई तहस नहस छ। पानी पर्दा पानी चुइन्छ, ढुङ्गा खस्छ हैन। उताको त्यो बिल्डिङ नै कोल्याप्स भइसक्यो। यो बिल्डिङ कति गरेर कोल्याप्स पनि थाहा हैन। हामीलाई चाहिँ पढ्दै गर्दा चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ के त्रास हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर हामी पढ्दा पढ्दै पुरिनी हो त्यो त्रास लिएर चाहिँ हामी पढ्न बाध्य थियौँ। हाम्रो त्रिचन्द्र कलेज मुलुककै पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज करिब 105 वर्ष भइसक्यो यो कलेज स्थापना भएको। अहिलेसम्म कुनै पनि भवनहरू निर्माण भएन। पुरानो भूकम्प आयो, 72 सालमा भूकम्प आयो, निर्माण भएन। हामीलाई कलेजमा बस्ने सिक्युरिटी डिपार्टमेन्ट अरू डिपार्टमेन्टहरू भत्किए, यताउता भए, पुनः निर्माण भएन। आज दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामी विद्यार्थीहरू जसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय छ, कसैको इक्जाम आइरहेछ, विभिन्न समय यो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि हामीले हाम्रो त्रिचन्द्र बचाइदिनु पर्यो, हाम्रो त्रिचन्द्रलाई चाहिँ यस्तो अवस्था जीर्ण अवस्थाबाट पुनर्निर्माण गरिदिनु पर्यो भनेर विद्यार्थीहरू सडकमा बसेर आज किताब पढेर हामीले त्यसरी विरोध जनाउनु परेको छ। क्याम्पस के सुरक्षा गार्ड जीवन लामा आर्थिक अवस्था सम्पन्न नभइल विद्यार्थी सबै अध्ययन करेवाला शैक्षिक संस्था नबनल कहके दुःख व्यक्त कैले बानी। वहाँकै नेपाली काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन कुमार थापा भी उहे विद्यालयमे अध्ययनरत कैले बानी, लेकिन अभिन ध्यान ना देहल बतौनी हुए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउआ भी त्रिचन्द्र क्याम्पसके उत्पादन भइल कहत। प्रधानमन्त्री विद्यालय बनाउ खातिर ध्यान ना देहल कहत, दुःख व्यक्त कैले बानी। वहाँकै सरकारवाला निकाय सब मिलके विद्यालय पुनर्निर्माण करे खातिर तत्काल पहल कदम लिए परेके आवश्यकता रहल बतौले बानी। उठेर पढ्छन्, उनीहरूलाई बिरेन्ची छैन, उनीहरूले पढ्ने चाहिँ वातावरण राम्रो छैन, टिचरले चाहिँ माइकिन लाएर दुःख गरेर पढाइरहेको छ भने सरकारले किन हेर्दैन? प्लिज हेरिदिनुहोस्। यो सरकारलाई चाहिँ म आग्रह गर्छु कि इतिहास सबै बनाउनु भयो। त्रिचन्द्र कलेज धेरै पुरानो यस्ता राणाले स्थापन गरेको छ, तपाईँहरूको समस्या अब नेपाल सरकारले हेर्नुपर्छ नि। पहिलो कलेज नेपालमा सबैभन्दा चिनिने कलेज, बच्चाहरूले पनि चिन्छन् त, यसलाई चाहिँ प्लिज पठाइदिनुहोस् र बनाइदिनुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ निर्माण चाहिँ गरिदिनुहोस्। लामा पढ़ल कैंपस में काम कैल 20 वर्ष हो चुकल कहत, आज तक कोनो सरकारी निकाय अनुगमन करे ना आइल बतौनी। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंक सबके सीईओ सबके छलफल के खातिर बोलाउले बाटे। छलफल के खातिर आज 3 बजे राष्ट्र बैंक बोलाउले बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न विषय में छलफल करे के खातिर 27 गो बैंक वाणिज्य बैंक के सीईओ के छलफल के खातिर बोलाउले हवे। राष्ट्र बैंक कुछ दिन अगाड़ी बैंक अध्यक्ष के बोला के मर्जर में जाए के होके तो असार तक जाए पड़े के ओकरा बाद सुविधा ना मिले के सुझाव दिले रहे। केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक करत बाटे। यही हिसाब से पिछलका समय बैंक सब में पड़ल तरलता संकट निक्षेप कर्जा सब में प्रभाव लगायत के विषय में छलफल करके उपयुक्त नीति लेव खातिर वाणिज्य बैंक के कार्यकारी प्रमुख सबके बोलाउल हुए। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के सुरक्षा के खातिर आधुनिक क्षेपास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग करे खातिर आग्रह कैले बानी। वहाँ के रूस से यूक्रेन में एक आक्रमण शुरू कैला से अभी तक ले 2600 से ज्यादा क्रूज मिसाइल प्रहार कैल चुकल दावी कैले बानी। वहाँ के अपन देश के प्रतिरक्षा के खातिर इजरायली आयरन डोम अमेरिकी पेट्रियट बैटरी सब आवश्यक रहल समेत वहाँ के उल्लेख कैले बानी। रूस से यूक्रेन में आक्रमण शुरू कैला से ही रूसी क्रूज मिसाइल सबके वर्षा भइल, कुछ के एकर प्रहार लागल और कुछ बच्चे में सफल भइल। वहाँ के बतौनी अभी ने यूक्रेन हवाई सुरक्षा के खातिर मात्रे आग्रह कैल ना भइल कह के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में युद्ध बढ़ते गैला बाद थप तोप खाना प्रणाली के आवश्यकता भइल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कहना बा। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग टू अंतर्गत के सीरीज के खातिर अमेरिका में रहल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज तेसरका खेल खेले के भइल बाटे। टेक्सास स्थित मोसा क्रिकेट मैदान में नेपाल आज राति ओमान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करे के भइल हुए। नेपाल और ओमान बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात 9:15 बजे शुरू होगी। ओमान विरुद्ध मैदान उतरल समय नेपाल सीरीज में पहिलका जीत के खोजी में होगी। नेपाल ओमान के हरावत 2 अंक जोड़े के चाहत बाटे। सीरीज अंतर्गत पहिलका खेल में नेपाल के ओमान 13 रन से हरावल रहे। ओमान भी नेपाल के हरावत शीर्ष स्थान के अग्रता थप मजबूत बनाव के चाहत बाटे। ओमान 35 खेल में 44 अंक जोड़ के शीर्ष स्थान में बाटे। नेपाल 14 खेल में 13 अंक जोड़ के छठा स्थान में बा। सीरीज अंतर्गत ही नेपाल अंतिम खेल में अमेरिका विरुद्ध बुध के दिने खेली। अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फेरू। संसद प्रतिनिधि सभा के बैठक में विनियोजन विधेयक पर के छलफल जारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले द्वारा अर्थमंत्री शर्मा के राजीनामा मांग। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति में सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 पर छलफल। बीमा प्राधिकरण बना के आगे बढ़ेला अनौपचारिक सहमति। आज जून 14 विश्व रक्तदाता दिवस नेपाल में भी रक्तदान लगायत के विभिन्न कार्यक्रम करके मनाओल जा रहा। आधुनिक क्षेपास्त्र प्रणाली के सहयोग करला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आग्रह। रूस 2600 से ज्यादा क्रूज मिसाइल प्रहार कैल दावी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग टू अंतर्गत नेपाल आज ओमान के सामना करी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।